खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है। रिवॉल्वर की सर्विस कराने गए युवक की खुद के रिवॉल्वर से निकली गोली लगने से रिवॉल्वर मालिक की मौत हो गई। पूरा मामला उधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर का है, जहां रुद्रपुर फ्लाईओवर के नीचे बाजपुर गन हाउस पर आवास विकास शिव शक्ति बिहार कॉलोनी निवासी भानु शर्मा उम्र 35 वर्ष जब अपनी रिवॉल्वर की सर्विस कराने के लिए पहुंचा तो दुकानदार ने रिवॉल्वर सर्विस करने के बाद जब रिवॉल्वर का ट्रायल लेने लगा तभी सामने बैठे रिवॉल्वर मालिक भानु शर्मा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद तमाम लोग मौके पर पहुंचे, जहां भानु को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भानु को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि भानु के बच्चे हैं जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। फिलहाल रुद्रपुर कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रशिक्षण के दौरान रिवॉल्वर से चली गोली से मौत का बताया जा रहा है। आगे जाँच जारी है। पर गन हाउस में एक व्यक्ति श्री शर्मा जी उनका कोई रिवॉल्वर को ठीक कराने के लिए गए थे, तो उनका शायद मिसफायर हो रहा था या फिर चैम्बर में जो है राउंड लोड नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ कंप्लेंट लेके गए थे। तो जब वहाँ का जो व्यक्ति है जो बाजपुर गन हाउस का जो संचालक है जो उसको चेक कर रहे थे, तो पहले शायद इन्होंने चेक किया तो उस समय तो राउंड लिए ही नहीं लिया, परंतु एक राउंड कम दिख गया उनको वो जो पूरा सिलेंडर में। तो तब ये ढूंढ रहे थे कि कैसा है कहाँ है करके, उसी दौरान जो है सडनली एक गोली चलने की आवाज़ आई, एक व्यक्ति की हाथ में लग गई और उसी से रिकॉशे होके जो हमारा मृतक है उसको छाती पे लग गया है गोली। एंट्री वुंड फ्रंट में है और बैक में एग्जिट वुंड में है, संभवतः गोली जो है हार्ट को छीर के पीछे से निकल गई है, वो एग्जिट वुंड एंट्री वुंड दोनों है। इस प्रकार जो है गन चेकिंग के दौरान जो हुई मतलब एक तरीके से फायरिंग में मृत्यु हुआ है, वो लीगल इश्यू तो बाद की बात है कि कौन सा तहरीर आएगा, कैसे परिवार वाले तहरीर देंगे, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। परंतु देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।